YouTube का सारा गेम नंबर्स का है। अगर आपके पास अच्छे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लोग आपको पागलों की तरह फॉलो करेंगे। और हमारे इंडियन फिटनेस YouTube में यही चीज़ हो रहा है कि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, लोग उनको बेवकूफ़ी की तरह, पागलों की तरह फॉलो करते हैं। ये चीज़ हमेशा सही नहीं होता। ऐसे भी कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बात तब ख़राब हो जाती है जब आपके ऑलमोस्ट 80-90% आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गलती होती है। हमारे इंडियन फिटनेस यूट्यूब में कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, यानी उनके सब्सक्राइबर्स 100K से भी नीचे हैं, लेकिन उनके पॉइंट्स, उनकी बातें आपको काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लगेगी दैन वो यूट्यूबर्स जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं। तो ऐसे ही एक इंडियन फिटनेस यूट्यूब चैनल का नाम है फिट ट्यूबर, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, मेरे ख्याल से शायद 3 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं उनके। और उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी एक्सट्रीम फैट लॉस को लेकर, वो भी 6 हफ्ते में, और उसमें उन्होंने आयुर्वेदिक सोल्यूशन दिया था, यानी आयुर्वेद से चीज़ों को उठाकर उन्होंने बताया था। यानी बेसिकली उन्होंने क्लेम किया था कि ये सब जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ फैट लॉस के लिए, वो 6 वीक्स में आपको एक्सट्रीम फैट लॉस करा देगा, और वो सब कुछ आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो उनके इस वीडियो को लेकर एक और बड़े फिटनेस यूट्यूबर ने, एक्चुअली वो इंडियन यूट्यूबर नहीं है, वो बाहर के यूट्यूबर है, और उनके भी सब्सक्राइबर्स मिलियंस में है। तो फिट ट्यूबर के इस वीडियो को लेकर उन बड़े यूट्यूबर ने, जिनका नाम है कोच ग्रेग, उन्होंने रिव्यू किया, और उनके इन्फॉर्मेशन को, यानी फिट ट्यूबर के इन्फॉर्मेशन को उन्होंने क्रॉस चेक किया, यानी अपना ओपिनियन, अपना व्यू दिया। कोच ग्रेग, इन टुडेस वीडियो इज ऑन फिट ट्यूबर, ए वेरी पॉपुलर यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया। तो अब बात आती है कि भाई दोनों ही बड़े यूट्यूबर हैं, फिट ट्यूबर भाई कुछ और कह रहे हैं और कोच ग्रेग कुछ और कह रहे हैं। अब हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए ये भाई एक संकट वाली चीज़ होगी, क्योंकि वो तो उसी को ही फॉलो करते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब इन दोनों के पास ही सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो भाई माने किसको? तो आज की हमारी वीडियो इसी बारे में होने वाली है। हम इन दोनों के पॉइंट्स को एक बार एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या फैक्ट है। सो हेलो गाइज, दिस इज मानस एंड यू वॉचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइज, हमारे इस चैनल पे हम हेल्थ, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन को लेकर बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और हमारे फ्यूचर अपलोड्स को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेग्स वीडियो ऑन फिट ट्यूबर। इफ यू हैव ट्राइड एवरीथिंग बट दैट एक्स्ट्रा फैट वोंट बज एन इंच, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। यू ट्राइड एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर बीइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट। और ये पहला तीर निशाने पे, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया मेरा फिर भी फैट लॉस नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त आप एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं होंगे। कैलोरी डेफिसिट का सिंपली इतना मतलब होता है कि आप जितना भी कैलोरीज अपने खाने के थ्रू ले रहे हैं उससे ज़्यादा आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। भले ही आप क्या खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, वो तो मैटर करता ही है, लेकिन उससे पहले आपको ये मैटर करता है कि उसमें से कैलोरीज कितनी मिल रही है। अगर आप जितना स्पेंड कर रहे हैं उससे कम आप कैलोरीज लेते हैं तो आप डेफिनेटली फैट लॉस करेंगे। तो आप दुनिया के कितने भी अच्छे रेसिपीज ले लें, खाना बनाकर अलग अलग वैरायटी के सो कॉल्ड हेल्दी खाने खा लें, जब तक आप एक कैलोरी डेफिसिट मेंटेन नहीं करेंगे आप फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू शो यू हाउ यू कैन कट द एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द बॉडी यूजिंग द पावरफुल टेक्निक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन न्यूट्रिशनल साइंस। एंशिएंट ओल्ड टाइम इंडियन न्यूट्रिशनल साइंस। जस्ट सी द सरकाज्म हियर। यहां पे वो सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने सरकाज्म के थ्रू कि लोग आपको किस तरह से इमोशनली आपको अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन, एंशियंट, आयुर्वेदा, इन सब का नाम इस्तेमाल करके आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इन सब का नाम अगर इस्तेमाल करके आपको सही डायरेक्शन में आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, लेकिन इन सब का नाम इस्तेमाल करके आजकल ज़्यादा ही आपको मिसगाइड किया जाता है। तो क्योंकि कोई इंडियन, एंशियंट, आयुर्वेदा, इन सब चीज़ों का नाम ले रहा है, इसका ज़रूरी ये मतलब नहीं हो जाता कि वो हमेशा सही होगा। माय डियर फ्रेंड, आई एम नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा, मैं आयुर्वेदा को हेट नहीं करता हूँ, लेकिन आप कुछ भी सोर्स से किसी भी तरह का डाइट ले ले, जब तक आप एक कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं आपका फैट लॉस नहीं होगा। दिस इज एन एक्सट्रीम डाइट टू रैपिडली लूज वेट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 वीक्स एंड इज नॉट मेंट टू बी फॉलोड एज अ लाइफस्टाइल। ओके, सो आई लाइक दिस गाय, ही इज लाइक, लुक, it's for 6 weeks max, it's not a lifestyle, you're not gonna eat like this forever,
You need something you can sustain. This is not to sustain. This is for rapid weight loss. So, जब भी आप किसी भी चीज़ को extreme में करते हैं, my dear friend, हमेशा वो fat diet में माना जाएगा, चाहे आप उसको Ayurveda से आपने उठाया हो या फिर कोई भी और दुनिया की सबसे बड़ी आपने scientific book में से वो चीज़ उठा ली. Extreme मतलब हमेशा वो आपका fat होगा, वो एक सही तरीका नहीं होगा. और जिस चीज़ को आप lifetime के लिए maintain नहीं करके रख सकते हैं, वो हमेशा आपके लिए extreme ही होगा और fat ही होगा. वो कभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा healthy नहीं होता है. और एक चीज़ का हमेशा ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप चीज़ों को स्पेशली हम फैट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम में कर रहे हैं, और जब आप उस एक्सट्रीम डाइट से अपने बाहर आते हैं, आपका वो सारा वेट रीगेन करने की टेंडेंसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. क्योंकि इनिशियली जो आपका ये फैट लॉस हुआ है, एक्सट्रीम फैट लॉस हुआ है एक कम टाइम पीरियड के अंदर, ये मेनली आपका वाटर बॉडी का लेवल, ग्लाइकोजन लेवल, इसी से ही लॉस हुआ होता है. और जैसे ही आप अपने नॉर्मल डाइट में आते हैं, ये सब बहुत जल्दी से क्विकली गेन होते हैं एंड आपका बिंज ईटिंग करने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हैं खाने से. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अपॉन वेकिंग अप यू हैव टू ड्रिंक 2-3 ग्लासेस ऑफ कॉपर चार्ज वाटर. कॉपर वाटर, नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द कंट्री यू आर लिविंग इन. हियर इन नॉर्थ अमेरिका यू डोंट रियली नीड टू हैव कॉपर वाटर. इन इंडिया श्योर दैट्स अ गुड आइडिया, नथिंग रॉन्ग विद दैट. सो ही इज सजेस्टिंग यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ड्रिंक अ कपल ग्लासेस ऑफ वाटर. इज दैट गुड एडवाइस? ऑफ कोर्स इट इज. एवरीवन नोस इट्स हेल्दी टू ड्रिंक वाटर. बिल्कुल सही बात है. मतलब आपके पास अगर कोई कॉपर का वेसल नहीं है, क्या आप उसका मतलब आप वेट लॉस नहीं कर सकते? क्या आप कोई एक्सट्रीम फैट लॉस नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है. कॉपर, अगर आप वाटर पीते हैं कॉपर वेसल में पी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका फैट लॉस के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है. यहाँ पे जो चीज़ ये सही बता रहे हैं वो ये कि भाई पानी पीना है. आप पानी किस में से पी रहे हैं, किस तरह से पी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपको पानी पीना है, यस, पानी आपके वेट लॉस के लिए एक अच्छी सी चीज़ है, लेकिन आप कॉपर वेसल में पी रहे हैं, सो गर्म पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. Then just after you wake up, before brushing teeth, drink this water slowly, sip by sip. The early morning saliva is highly medicinal and actually promotes fat loss. I'm not gonna argue with him, okay? So he's suggesting a swallow, don't spit. That's what he said. What did I say? It doesn't matter when you drink your water before or after you brush your teeth, just drink the freaking water. You want to drink half your water before brushing your teeth and the other half after? It's still good. बिल्कुल सही बात है. पानी आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा, और उसको आप किस वक्त ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. चाहे आप ब्रश करने के बाद लें, ब्रश करने से पहले लें. अगर आपको लगता है कि सलाइवा मेडिसिनल है, मे भी हो सकता है, ऐसे आयुर्वेद में लिखा है, मुझे आयुर्वेद की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर सलाइवा ही आपको मैटर करता है मॉर्निंग वाला, तो आप सीधा उसको स्वलाव कर जाए, सीधा उसको निगल लें. अगर आपको लगता है कि निगलने में दिक्कत हो रही है बिना पानी के, तो आप ब्रश से पहले थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करें, पानी पी लें, अपना सलाइवा निगल लें, एंड ब्रश के बाद थोड़ा सा. मतलब बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि भाई ब्रश से पहले आपको सारा पानी पीना है. मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरह से ही पानी पीना है आपको. पानी मैटर कर रहा है सिर्फ, और सलाइवा अगर मैटर कर रहा है तो आप जिस भी तरीके से उसको अंदर ले सकते हैं आप ले लीजिए. कोई ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई वॉशरूम जाने से पहले आपको इतना ही लीटर पानी पीना है, इतने सिप्स में पीना है, ऐसा कुछ नहीं होता है. You can drink this water warm or at room temperature. You can drink it warm, room temperature. I'm gonna add into that. You can even drink it cold. ऐसा कुछ नहीं होता है कि वार्म वाटर और आपके मेटाबॉलिज्म के बीच में कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है. मैं बार बार वही चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि पानी आपके लिए अच्छा होता है, और आप उसको किस कंडीशन में ले रहे हैं, आप उसको ठंडा ले रहे हैं, गर्म ले रहे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है. आपको पानी पीना है, दैट्स इट. आफ्टर ड्रिंकिंग दिस वाटर, गो फ्रेशन अप एंड देन मेक श्योर दैट यू डू योगा. इज योगा बैड? No, of course not. Yoga's fantastic. If you go and do yoga, you can burn a couple extra calories, improve your flexibility, but it's not going to make you shred. It's not going to do extreme weight loss. Yoga doesn't guarantee or promote extreme weight loss. Yes, of course. Yoga is a good thing. Yoga ke apne benefits hote hain. Lekin agar yahan pe aapka concern कैलोरी बर्न करना है, फैट लॉस करना है, तो आप कोई ऐसी चीज़ को चूज़ करेंगे जो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न करे. तो ऐसे ही जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आप कार्डियो करें, तो कार्डियो का मसल बिल्डिंग के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. हर एक्सरसाइज का, हर टाइप के स्पोर्ट्स का उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं. तो यहाँ पे अगर आपको कैलोरी बर्न करना आपका यहाँ पे मेन प्रायोरिटी है, तो बेटर हो सकता है कि अगर आप एक वॉक पे चले जाएं, आप कार्डियो कर लें, तो मे बी आप वहाँ पे ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जिस तरह का योगा दिखाया जा रहा है, मेनली स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी टाइप ऑफ योगा जो दिखाया जा रहा है, यस, ऑफकोर्स इसमें आप कैलोरी थोड़ा बहुत बर्न करेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप वॉकिंग पे चले जाएं, कार्डियो कर लें, वहाँ पे आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं.
नहीं, मैं यहाँ पे योगा को गलत नहीं बता रहा हूँ, हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के बेनिफिट्स चाहिए, तो उस तरह के बेनिफिट्स आपको जिस तरह के काम से, जिस तरह के एक्सरसाइज से मिल रहा है, आपको वो एक्सरसाइज यूज करना चाहिए उस पर्टिकुलर गोल के लिए, उस पर्टिकुलर आउटकम के लिए। स्पेंडिंग 15 मिनट्स डेली ऑन इट विल इंक्रीज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट व्हिच इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू कट द एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द बॉडी। सो विल डूइंग 15 मिनट्स ऑफ योगा एवरी डे इंक्रीज योर बीएमआर दैट योर बेसल मेटाबॉलिक रेट हाउ मेनी कैलोरीज यू आर बर्निंग? यस, बाय हाउ मच? 18 See, wait, see amount, a few calories. Will going for a walk do this? Yeah, it'll do it more so than the yoga. What about going for a jog or bike ride? Even more so. What about lifting weights? Yup, even more so. What about going to work? What about going to the mail? What about living? Yup, anything you do and move is going to increase your BMR. Yes, exactly, not necessarily yoga. Koi bhi cheez aapko jisme aap, you keep moving, wo aapka BMR upar rakhta hai. सिर्फ और सिर्फ आपको यही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये जो बताया जा रहा है सिर्फ आपको यही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन, क्योंकि ये वीडियो इनकी बहुत लंबी है। जो फिट ट्यूबर की वीडियो थी वो करीब 8 मिनट की थी, और उस पर जब ग्रेग ने रिएक्ट किया तो उनकी वीडियो करीब 19 मिनट की बन गई। अब मैं ग्रेग की वीडियो को रिएक्ट कर रहा हूं, तो ये वीडियो करीब 40 मिनट की नहीं बननी चाहिए। मैं आपको ओवरऑल एक कंक्लूजन बता देता हूं, और इन दोनों वीडियोस के लिंक यानी फिट ट्यूबर की एंड कोच ग्रेग की ये जो वीडियो के लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से जाके इसको देख लेना। इसमें से जो कंक्लूजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें से मैं क्या ड्रॉ आउट करता हूं वो मैं आपको समझा देता हूं। तो आपको अपना खुद का दिमाग हमेशा इस्तेमाल करना है, मल्टीपल चैनल्स देखने हैं, मल्टीपल व्यूज लेने। फिटनेस सिर्फ एक ही पर्सन तक लिमिटेड नहीं है कि भाई इस पर्सन ने जो बोल दिया वो लकीर की फकीर, मतलब वही बात आपके लिए परमानेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मल्टीपल चैनल्स देखने हैं, मल्टीपल व्यूज देखने हैं, उसके बाद आपको डिसाइड करना है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर आप एक पर्सन को हमेशा देखते हैं आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे, आपकी सोचने की क्षमता बंद सी हो जाएगी, आपको आप अपनी रैशनल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो उसने बोल दिया आप बस वही मान लेंगे, कभी आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। और बहुत सारे रीजंस में से ये भी एक रीज़न है जो कि अच्छे चैनल्स, हमारे इंडियन फिटनेस यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि क्यों हमारे अच्छे अच्छे फिटनेस चैनल्स जो इंडिया में हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे। मैं चाहूँगा ज़रूर जाके आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि कैलोरी डेफिसिट के अलावा आपका फैट लॉस कोई भी चीज़ नहीं करा सकता है, चाहे आप उसको इंडियन आयुर्वेद से निकाल रहे हैं या फिर कोई भी साइंटिफिक जर्नल से कुछ भी चीज़ निकाल रहे हैं। जब तक आप एक कैलोरी डेफिसिट मेंटेन नहीं कर रहे हैं आपका फैट लॉस नहीं होगा, माय डियर फ्रेंड। एंड ये जो इन्होंने एक डाइट पैटर्न बताया 6 वीक्स के लिए एक्सट्रीम फैट लॉस के लिए, और अगर ये जो इन्होंने बताया इसमें से इन्होंने कोई भी प्रोपोर्शन वगैरह नहीं बताया या फिर कोई भी कैलोरीज नहीं बताया, और मान लेते हैं दो पर्सन हैं, दोनों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो इन्होंने डाइट बताया ये दोनों के लिए एक सेम डेफिसिट मेंटेन करेगा, या फिर ये डेफिसिट मेंटेन करेगा भी नहीं, या फिर किसी को मेंटेनेंस पे या फिर किसी को सरप्लस पे भी रख सकता है अगर हमें पता नहीं है कि उसको किस क्वांटिटी में खाना है। सो हमेशा मैटर करेगा कि आप कैलोरीज कितना ले रहे हैं, क्या आपका एक डेफिसिट बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो आपको हमेशा अपने कैलोरीज के साथ, अपने मैक्रोज के साथ प्ले करना आना चाहिए कि भाई ये खाना मैं इस प्रोपोर्शन में लूँगा तो मुझे इतनी कैलोरीज या फिर ये मैक्रोज मिलेंगी, तो फिर आपका वो एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है। आप कहीं पे भी कुछ भी खाना अपने डाइट में एडजस्ट कर सकते हैं फैट लॉस करने के लिए। लेकिन अगर आपको एक हार्ड एंड फास्ट रूल दे दिया गया कि आपको यही खाना है, इस वक्त पे खाना है, तो वो एक प्रैक्टिकल सी चीज़ नहीं है, काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है। आपको बोल दिया कि भाई 5 बजे या फिर 2 बजे 2:30 बजे आपको ये नींबू निचोड़ना है, ये हनी डालना है, वो चीज़ डालना है, ये चीज़ डालनी है। आप अगर कहीं पर घूमने गए हैं, किसी ट्रैक पे गए हैं, ऑफिस में हैं, तो आप इन चीज़ों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? सो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि चीज़ों को डाइट में किस तरह से फिट करना है, किस खाने में कितनी कैलोरीज, कितना मैक्रोज मिल रहा है, उसको अगर आपको फिट करना आता है तो आप किसी भी वक्त पे किसी भी तरीके का खाना खा के तब भी आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कोट है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बी केयरफुल व्हेन यू फॉलो द मासेस, समटाइम्स एम इज साइलेंट। विद दिस दैट्स इट अप ऑन दिस वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, दिस इज मानस, टेक केयर।